Hello students, today we'll be continuing chapter 2 standard 10th science acid base and salt. अपने already acid के बारे में पढ़ चुके, अपन already bases के बारे में पढ़ चुके, अभी अपन salt के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है? अपन को पता है जब acid और base mix होते हैं, acid और base के reaction से salt और water form होता है, ये अपने already earlier lectures में पढ़ चुके हैं, जब acid plus base, acid और base जब मिलते हैं तो salt form होता है और water form होता है, तो हम उसी salt के बारे में पढ़ रहे हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है. सॉल्ट कैसा फॉर्म होता है? न्यूट्रल, जिसका पीएच 7 होता है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो जब सॉल्ट, वो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच 7 होता है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बेस यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या एसिड है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. एसिडिक मतलब पीएच लेस देन 7. जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, जब जो एसिड है वो सॉरी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा. बेसिक मतलब पीएच 7 से ज्यादा. वापस हम चलिए ध्यान देना, अपन अभी टॉपिक पढ़े सॉल्ट्स के बारे में. सॉल्ट अपने चैप्टर ही एसिड बेस और सॉल्ट पे, एसिड और बेस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, अभी अपन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अपन ये पढ़ चुके हैं जब एसिड और बेस एक साथ कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है और वाटर होता है. तो यहाँ पे बोल रहा है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल फॉर्म होता है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होता है मतलब उसका पीएच 7 होता है. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस कंबाइन होता है, मतलब यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है वो देखो, स्ट्रॉन्ग क्या एसिड, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा? एसिडिक होगा. एसिडिक मतलब पीएच लेस देन 7. उसके बाद जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस. जो भी स्ट्रॉन्ग है उस पर ध्यान देना. स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेस है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा. राइट, इतना समझा. उसके बाद अपन कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बोला सॉल्ट ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो होता है सोडियम क्लोराइड. वापस सुनो, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH2, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड. कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड. और ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है बेसिकली वो सॉल्ट है जो हम रेगुलर में खाने में कंज्यूम करते हैं. जो हम फूड में सॉल्ट कंज्यूम करते हैं वो सॉल्ट कौन सा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है. ठीक है, जो सी वाटर होता है, जो सी का पानी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, उसमें से सोडियम क्लोराइड सिलेक्ट करके निकालना पड़ता है. ओके, वापस अपन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में. तो अपन ये बोल रहे हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड. ये सोडियम क्लोराइड वो कॉमन सॉल्ट है जो हम यूजुअली फूड में कंज्यूम करते हैं. जो सी वाटर होता है, सी का पानी, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं और उसमें से जो सोडियम क्लोराइड है वो चूज करके निकालना होता है. डिपॉजिट ऑफ सॉलिड रॉक इज फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के काफी हिस्से हैं जहाँ पे बड़े बड़े सॉलिड रॉक्स है, सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट है. और ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल है, वो जो बड़े बड़े सॉल्ट के क्रिस्टल है वो ब्राउन कलर के है. क्यों ये ब्राउन कलर के? बिकॉज इसमें इम्प्योरिटीज है. क्या इसमें इम्प्योरिटीज है? और ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ब्राउन कलर के सॉल्ट के, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट. वापस बोले कि बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बड़े बड़े क्रिस्टल्स है सॉल्ट के, बड़े बड़े क्रिस्टल सॉल्ट के जो ब्राउन कलर के, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज. और ये जो ब्राउन कलर के बड़े बड़े सॉल्ट क्रिस्टल, इसको बेडरॉक रॉक सॉल्ट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट. बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म इन सी ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप. जब बहुत जमाने पहले के जो सीज थे वो जब ड्राई हो गए तब बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट बना. रॉक सॉल्ट के जो बेड्स है वो बने. और ये रॉक सॉल्ट को भी हम लोग मिनरल को कैसे माइन करते, कोल को कैसे माइन करते, वैसे माइन किया जाता है. वापस
बोला है कि बड़े बड़े क्रिस्टल सॉल्ट के फाउंड किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बड़े बड़े सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों ब्राउन कलर के होते हैं? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इनप्योरिटीज होती है, और ये जो ब्राउन कलर के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं उनको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रॉक सॉल्ट बना कैसे होते हैं? फॉर्म बाय द व्हेन द सी ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, बहुत सालों पहले जो सी से जो वो ड्राई अप हो गए, जब वो सूख गए तो जाके रॉक सॉल्ट बने। और जैसे कोल की माइनिंग की जाती है वैसे मिनरल वैसे रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग की जाती है। ओके, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है वो बहुत सारे चीजों के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ये जो कॉमन सॉल्ट अपन पढ़ रहे सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड जो हम घर में नमक खाते हैं, वो बहुत सारी चीजों में एज एन रॉ मटेरियल यूज होता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन एज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज होता है, बेकिंग सोडा में यूज होता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और अलग अलग जगह में वो यूज होता है। ओके, तो बेसिकली अभी अपन ने जो ये टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपन सॉल्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग के एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी वो एसिडिक होगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है तो यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेस है। मतलब जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो ये देखा स्ट्रॉन्ग कौन है उसके साइड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक। जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सोडियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड वो कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में खाने में यूज करते हैं। फिर बोला जो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उसमें से सोडियम क्लोराइड सेपरेट करना पड़ता है। फिर बोला बड़े बड़े क्रिस्टल सॉल्ट के फाउंड किए जाते हैं मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल है वो यूजली ब्राउन कलर के होते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा इनप्योरिटीज होती है। जो बड़े बड़े ब्राउन कलर के क्रिस्टल है उनको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट कैसे बने? बाय द ड्राइंग अप ऑफ द सी ऑफ बायगॉन एजेस। बहुत अरसों पहले जो सीज ड्राई हो गए उससे रॉक सॉल्ट बना। रॉक सॉल्ट को भी मिनरल को जैसे माइन किया जाता है। फिर अपन पढ़ रही जो कॉमन सॉल्ट है ना बहुत सारी जगह एज एन रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी जगह यूज होता है। राइट, हम एक एक का यूज पढ़ेंगे, पहले एक बार बोर्ड पर ध्यान दो। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में अपन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ जाने का। स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड। वीक क्या है? बेस। स्ट्रॉन्ग की तरफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा? एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग क्या है? हमेशा वो देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का ही है तो स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा? बेसिक। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2। उससे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड वो कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में फूड में कंज्यूम करते हैं। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट, जो सी वाटर उसमें मेनी सॉल्ट होते हैं डिसॉल्वेंट जिसमें से सोडियम क्लोराइड प्रॉपरली सेपरेट करना पड़ता है। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट इज फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के काफी पार्ट में सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट फाउंड होते हैं। दिस लेयर क्रिस्टल, ये लेयर ऑफ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों ब्राउन कलर के होते हैं? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ द बायगॉन एजेस ड्राइड अप। जो पिछले जमाने के बायगॉन एजेस के सीज जब ड्राई अप हो गए तो रॉक सॉल्ट के बेड्स बने। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल, जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग होती है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। ओके, आप इतना क्लियर हुआ इसके नोट्स बनाओ फिर आगे करते हैं।
अभी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बनता कैसे? तो बेसिकली जब एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कॉमन सॉल्ट अपन बोलते हैं, उसके एक्वियस सोल्यूशन से, एक्वियस सोल्यूशन मतलब पानी वाला सोल्यूशन, आप उसके एक्वियस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करो. तो जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम क्लोराइड डीकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. वापस सोडियम क्लोराइड का जो एक्वियस सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन मतलब वाटर फॉर्म में सोल्यूशन है, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करो. जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज होके बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. वो डिकम्पोज होके क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ये प्रोसेस को क्लोरो अल्काइल बोला जाता है, क्लोरो अल्काइल प्रोसेस. क्यों ये प्रोसेस को क्लोरो अल्काइल प्रोसेस बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस बेसिस पे, क्लोरो मतलब इसमें क्लोरीन बन रहा है, अल्काइल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरो अल्काइल बोला जाता है. वापस ध्यान दो, मैं बोल रही हूँ जो सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, तो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्लोरो अल्काइल, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, अल्काइल बिकॉज यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. इसका देखो इक्वेशन ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड ठीक है, प्लस H2 ठीक है, दिस NaOH प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है. इस पूरे प्रोसेस में एनोड पे क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस. इस पूरे प्रोसेस पे ये जो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड का जो एक कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो एनोड पे जो गैस फॉर्म हो रही है वो है क्लोरीन और जो कैथोड पे गैस फॉर्म हो रही है वो है हाइड्रोजन. राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म और कैथोड के बाजू में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनेगा. एकदम ध्यान दो वापस, क्या है बेसिकली यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, आप उसका एक्वियस सोल्यूशन ले रहे हो मतलब वाटर वाला सोल्यूशन ले रहे हो और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो. जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो क्या फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये प्रोसेस को क्लोरो अल्काइल बोला जाता है बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरो मतलब क्लोरीन बनता है, अल्काइल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. ये प्रोसेस में जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन, और कैथोड के बाजू में जो उसका मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो बेसिकली जो तीन प्रोडक्ट माने क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों अपने लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. कैसे? जो क्लोरीन होता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज हुआ जाता है, स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन डाला जाता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई भी चीज में से इंफेक्शन निकालने के लिए यूज हुआ जाता है, पेस्टिसाइड में यूज हुआ जाता है. ये जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है बेसिकली वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होती है, स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन गैस डाली जाती है, एज एन डिसइंफेक्टेंट मतलब इंफेक्शन निकालने के लिए यूज होता है, पेस्टिसाइड के लिए यूज होता है. और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल की तरह यूज होती है, अमोनिया गैस, अमोनिया फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है. और जो NaOH बने उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, NaOH मतलब सोडियम क्लोराइड. ये जो सोडियम क्लोराइड वो मेटल में से ग्रीस निकालने के लिए यूज होता है, डीग्रीसिंग मेटल, डिटर्जेंट में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, तो ये अपना एक पूरा पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसमें अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा. सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल सा ये बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस. और तीनों प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूजफुल है ये भी अपन ने पढ़ा. अब अपन ब्लीचिंग पाउडर पे जाते हैं. You know that the chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride. यार मुझे sodium chloride का electrolysis क्या? Sodium chloride का electrolysis क्या मतलब क्या? Sodium chloride में से electricity pass करे और उसमें से बना sodium hydroxide और chlorine gas release हो रही है. मतलब जब भी आप sodium chloride का electrolysis कर रहे हो तो chlorine gas release हो रही है. ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज आती है. ये जो क्लोरीन गैस है बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी यूज आती है. कैसे क्लोरीन गैस में से ब्लीचिंग पाउडर बनता है? सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम. ये जो ड्राई स्लेक लाइम होता है, स्लेक लाइम के ऊपर आप क्लोरीन गैस पास करो, जो भी ड्राई स्लेक लाइम होता है उससे आप क्लोरीन गैस पास करा और क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2. वापस ध्यान से सुनना, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है?
जब आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, जो अभी अपन ने इमीडिएटली पहले जो पढ़ा, अपन ने इमीडिएटली पहले जो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस फाउंड होती है। ये जो क्लोरीन गैस बेसिकली होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज आती है। कैसे यूज आती है? जो भी ड्राई स्लेक लाइम होता है उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, और जब उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस पड़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीच करने, मतलब कॉटन के कपड़े और लिनन के कपड़े को ब्लीच करने के लिए। पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, जो वुड का पल्प होता है, जो वुड में से ही पेपर बनता है ना, तो वुड के पल्प को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। लॉन्ड्री में जो कपड़े धोने के लिए अपन देते हैं, तो लॉन्ड्री में जो कपड़े धोने के लिए देते हैं उस कपड़ों को वॉश करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्री में वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इनफैक्ट ब्लीचिंग पाउडर पानी को में से जर्म्स निकालने के लिए भी यूज होता है। राइट, वापस मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बता रही हूँ। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जो भी आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज आती है। कैसे? जो स्लेक्ड लाइम होता है उससे क्लोरीन गैस पास करा और ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला है CaOCl2। आई ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या? ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली कॉटन और लिनन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है वुड पल्प के लिए, लॉन्ड्रीज में यूज होता है कपड़े धोने के लिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, इनफैक्ट ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स निकालने के लिए भी यूज होता है। राइट, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट डीकम्पोज होता है एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो अल्काइल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, बिकॉज क्लोरो मतलब क्लोरीन और अल्काइल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी केमिकल इक्वेशन है। फिर बोला क्लोरीन गैस इज गिवन एट एन एनोड, एनोड पे क्लोरीन गैस आती है एंड हाइड्रोजन गैस आती है कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड, और कैथोड के नजदीक में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन फॉर्म होता है। ये जो तीन प्रोडक्ट है क्लोरीन हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों यूजफुल है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट की तरह, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर की तरह, NaOH डिग्रीजिंग मेटल, मेटल को डिग्रीज करने के लिए, डिटर्जेंट पेपर इन सब के लिए। फिर अपन ब्लीचिंग पाउडर पे, यू नो दैट द क्लोरीन गैस इज फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जब आप सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्लोरीन गैस बनती है। ये क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन गैस बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, जब आप ड्राई स्लेक लाइम पे क्लोरीन गैस पास कर दो तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, ये इंपॉर्टेंट है, वन मार्क में पूछते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। अब यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली कॉटन और लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, वुड के पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, वॉशिंग क्लोथ के लिए यूज होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इट मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। राइट, ओके, तो अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक बार इसके नोट्स बना लो।